नहीं अछूता हो, जिस बात से देश का कोना कोना कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देश भक्त के बीजों को है बोना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। तुमच्या आमच्या मनातला आवाज आणि थेट संवाद म्हणजे मन की बात, ज्याद्वारे आपले पंतप्रधान देशातल्या करोडो लोकांशी जोडले जातात। दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी आकाशवाणीवर मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 3 ऑक्टोबर 2014 पासून सुरू झालेली ही मालिका यावेळी एप्रिलमध्ये त्याच्या 100व्या भागासह पुढे सुरू राहील। या निमित्तानं आकाशवाणी या विशेष कार्यक्रमातून पंतप्रधानांच्या काही निवडक भाषणांचे अंश सादर करत आहे, ज्यांनी देशाला एक नवा मार्ग दाखवला। सेना दलातील संधी, सोयी सुविधा आणि वन रँक वन पेन्शन न मिळण्याबाबत सैनिकांची सुरुवातीपासूनच तक्रार होती। 2014 निवडणुकीत माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सीमांच्या रक्षणाकरता जीवाची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांच्या या मागणीची पूर्तता करण्याचं आश्वासन दिलं, ज्याची सरकार स्थापन होताच पूर्तता करण्यात आली। 31 मे 2015 रोजी प्रसारित मन की बात मध्ये माननीय पंतप्रधानांनी या विषयाचा उल्लेख केला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है।